जोर से बोल। खबर में से बोला ना ये? जोर से। कहाँ से लाए थे? अल्डा के बोल, सबको सुने आना। पकड़ो उसका हाथ कलाई में से। हाँ, कहाँ से लाए थे? रे खबर में से। कौन से गांव के? गंगा से रहा। अच्छा, तू औरत है? मरे अली आदमी है? कौन है? आदमी है। हाँ हाँ आदमी है। कौन है? आदमी है। अच्छा, बच्ची को क्या तकलीफ दे रहा था? जा रही थी। क्या कर रहा था? जा रही थी। अच्छा, मार के लिए जाने वाला था। अच्छा, कब मारने वाला था इसको? अम्मास में, पुन्नम में? पुन्नम में। जोर से बोल। हाँ बोला ना। सही बोल ना। कभी लाओ सही बता। सही। कब मारने वाला था? अम्मास में, पुन्नम में? अम्मास में। अम्मास में मार रहा था। अच्छा, कैसा मारने वाला था? बीमारी बदल के एक्सीडेंट करा के? बीमार बीमार। अच्छा, इसके घर में क्या धिंगाने कर रहा था तू आंग में आके? तोड़ा फोड़ी कर रहा था सामान सब? और क्या तकलीफ दे रहा था तू बच्ची को? ये क्या दे रहा था? खबर में ले जाने का। हाँ, जोर से बोल। खबर में ले जाने वाला था। और कौन औरत ने लाके डाली? आदमी ने लाके डाला इसके आंग में? अच्छा, इसकी माँ का रिश्तेदार है? बाप का रिश्तेदार है? वो ना माँ का ना बाप का। नाम पूछूं क्या? अच्छा, कैमरा रोक दो ना। काट के दो टुकड़े करने के मेरे को। मैं तो लड़ना बोल के। हाँ, जोर से बोल। हाँ बोला ना। अच्छा, ये बच्ची की क्या दुश्मनी थी? इस पे कौन जादू चला? क्या दुश्मनी थी इसी? हाँ, क्या बिगाड़ी बच्ची ने? किसका? हाँ, बच्ची ने कुछ भी नहीं बिगाड़ी। फिर क्यों करे इस पे? हाँ बच्ची। हाँ, कौन करा वो? हाँ वोच करा। कौन वो है? वो इसका कौन होता? बाप का रिश्तेदार है? माँ का रिश्तेदार है? फिर कौन है? जल्दी बोल, मैं तो काट दूंगा। जकड़ो उसको तेज साथ में। बोल तो छोड़ा। जल्दी, कौन है वो? उंगलियां मत बोल। कौन है वो? जकड़ो उसको तेज साथ में। हाँ, कौन है वो? वो छोड़ा तो। कौन है? बोले बोल। उसका रिश्तेदार कौन है? वहां चल, बता जल्दी, बता बता जल्दी। कौन है? कौन है वो? जकड़ो उसको तेज साथ में। जकड़ो। हाँ चल, बता जल्दी, कौन है वो? कौन है वो? पहले बोलो। कौन लाया खबरस्तान तुझे? कौन ला के डाला उसके आंग में? उसकी जान ले। कौन बोला तुझे वो? कौन है? हाँ, इसके घर से और जान लेने वाले? इसके माँ बहनों की? किसकी? नहीं, इसकी सोना खाली। क्यों होना वजह? इसकी शादी हुई? नहीं। हाँ, कौन कौन है वो? कौन डाला ला के? जल्दी बोलना, तो पूरा काट के दो टुकड़े कर दूंगा मैं। जल्दी बोल रहे, टाइम नहीं मेरे पास, काट दूंगा मैं अभी। हाँ बोल जल्दी। आए वो आदमी आए। नाम 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 नहीं मालूम। दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी दुश्मनी क्या दुश्मनी थी? कई की दुश्मनी थी वो? नहीं मालूम। नहीं छोड़ता हूँ तेरे, मैं तेरे को पूरा मार के भस्म करता हूँ। आज तेरे हाथ ही काट के भस्म करता हूँ दोनों भी। चल बता जल्दी। कौन था वो? इसके माँ का रिश्तेदार था? बाप का था? नहीं। फिर कई की दुश्मनी चल रही थी ऐसी? फिर बच्ची पे क्यों लाके छोड़े थे? और तू क्यों अंदर इसको मारने घुस के बैठा? और जादू चलाते टाइम पे बच्ची का क्या लिख गए थे? जल्दी बोल ला उसका हाथ का। जल्दी बता जल्दी, कमी है चल बात यहाँ कर रहा मेरे साथ बैठ के। हाँ चल बता। बच्ची का क्या लिख गए थे जादू चलाते टाइम पे? चल बोल जल्दी। कुछ भी नहीं। कपड़ा मट्टी चप्पल? नहीं। हाँ नहीं। फिर झूठ बोल रहा? नहीं बोल रहा। फिर कैसा क्या आ गया तू? कैसा क्या आ गया? खुद ब खुद तो नहीं आ सकता। मुझे ला के छोड़ो। कौन ला के छोड़ा वो? नहीं भी छोड़ो। सही बात नहीं बताता। ठीक है छोड़ो, उसको जकड़ लो उसको और तेज एक साथ में। आ उसका हाथ ही काटना है मेरे को। पकड़ो उसको तेज एक साथ में। जाने नहीं देते तेरे को। कैसा जा रहा? बाप का राज चल रहा है। बगर नाम से बोल था, पता तू नाम बोलने के बाद ही छुटने वाला। जकड़ लो। नाम नाम नहीं बोल। कौन था वो? कौन है वो? जब तक उन्हें बोलेगा नहीं, जब तक जलाते रहोगे आग लगाओ। अलग से बोलता बोलता जोड़ों में जोड़ों में।
बोल बोलने के बाद ही छूटने वाला तू भाई छूटने वाला वैसा जब तक नहीं बोला छोड़ो मत फटे दिख बाद में कौन है वो कसम डाला उन्हें नाम मत बोल के कसम डाला तेरे को नाम नहीं बोलना बोल के हाँ फिर क्यों नहीं बोल रहा तेरा जीजा जी बताओ साले रिश्ते में जो तुझका नाम नहीं बता रहा मेरे को तो बोल जल्दी पहले उंगलियां छोड़ो पहले बोल बोल जल्दी कौन है वो छोड़ना नहीं उन्हें जब तक नाम नहीं बोलना जब तक उसके हाथ में हाथ मिला मिले थे क्या कहाँ छुप के बैठे कुछ सब मालूम है मेरे को जलाओ उसको तेरे साथ उन्हें दूसरा वाला मिला छोड़ा क्या नाम है उसका उसका है बाजू का छे हाँ, दुकान है उधर अच्छा क्या दुश्मनी थी इनकी उसकी कुछ भी नहीं थी फिर बच्ची क्या नहीं क्यों छोड़ा उन्होंने हाँ छोड़ा लाके उन्हें क्या वजह थी वजह कुछ भी नहीं थी पर अच्छी दिखी तो उन्हें छोड़ दिया शायद लाके हाँ क्या वजह से छोड़ा अच्छी दिखी बोल के क्यों छोड़ा अंदर हाँ। क्या मकसद था उसका छोड़ने का पर कुछ भी नहीं था तो छोड़ा उन्हें हाँ। क्यों जी उंगली उंगली पहले जल्दी बोलो पूरा काट दूंगा छोड़ा तो सही छोड़ते नहीं तेरे को जब तक तू सही नहीं बोलता तो ऐसा ही तो बड़ा छोड़ो तो अच्छा कौन था वो किसने लाके छोड़ा कहाँ रहता हूँ कौन से गांव में रहता हूँ हाँ, हमारे फ्लैट के बाजू है अच्छा बस्ती के बाजू में रहता हूँ कौन से गांव में रहता हूँ हाँ, ब्रिज है ब्रिज के पास घर है एक हाँ, वहाँ का है वो हाँ, हिंदू का है मुसलमान का है हाँ, हिंदू का है नहीं 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 हाँ, मुसलमान का है वहाँ का अच्छा ब्रिज है वहाँ पर एक शादी खाना है अच्छा और ये बच्ची घर में से और किस किस पे करा उन्हें जादू हाँ कोई नहीं है और दूसरे बहन भाइयों पे भान की शादी हो गई इसकी हाँ अच्छा हाँ एक भांजा भी है और बच्ची के महामारी क्यों रोक रहे थे बच्ची की हाँ एक उसकी गलती थी तो उन्हें छोड़ दिया हाँ और ये बच्ची की टाइमिंग क्यों नहीं आने दे रहे थे बोर्डन होने था तो अच्छा उस वास्ते नहीं आने दे रहे थे चलो ठीक है तू अभी तो सही सही नहीं बोल रहा अभी तक बहुत मारने लगा था इसको आज रात 12 बजे के बाद से जंजीरा डाल के बन के डालो और इसको इतना मारो इसको मार मार के चिंदा करके मेरे सामने लाओ इन्हें दूसरे चक्कर तक आके सब बयान करना मेरे सामने कौन लाके डाले थे कहां से डाले थे जब तक इसको मारते रहो चिंदा करते रहो इसको मार मार के ना लाओ अभी तक जाने का हुक्म नहीं दिया मैं कमबख्त और जल्दी मैं काट दूंगा अभी और कमबख्त ना लाए सब याद करके आके सुनेगा दूसरे चक्कर में कौन डाले थे उसके अंदर कहाँ से लाए थे किस चीज में मिला खिलाए थे कितने लोग आए क्या क्या दास्तान चल रही थी सब बातें जब तक उसको जकड़ के रखो तेज एक साथ में छोड़ दो उसके हटा छोड़ो छोड़ दो हट जाओ पीछे ये जो है तो ये भी तो ये तो इनका लगे वाला या खुद बहुत आए वाला ऐसा शैतान ऐसा जिन्नात नहीं ऐसा रहता था सीधा चले जाता था ये इसको कुछ भी कसम दे के ला कर छोड़े वाला है कि नाम बताना नहीं कुछ नहीं सीधा तबाही बर्बादी लगा के बाद में बच्ची को मार देना उन्हें खुद बयान कर रहा कि अब मास में उन्होंने मैं कुछ बोला उसमें रिकॉर्डिंग में देख लो खत्म कर दूंगा और वो खत्म करा रहा था कैसा खत्म करा रहा था कि पागल के जैसा बनाकर पागल यानी कि उसका दिमागी संतुलन सही तरीके से नहीं रखा था लोगों को देखने वालों को ऐसा लगना कि बच्ची पागल तो नहीं हो गई वैसा करा के खत्म कर रहा था और ये जो है तो ये खुद ब खुद आए वाली कोई बला कोई शय कोई जिन्नात ऐसा नहीं है ये लाकर खुसूसन छोड़े वाला है और वो बोल रहा है ना कि कब्रिस्तान से उठाए थे और कब्रिस्तान से लाकर डाले और कुछ गांव का नाम भी लिया कौन से गांव का नाम लिया था कहाँ पे अच्छा खंदार में कौन रहते थे अच्छा तो गंगाखेड़ का भी नाम लिया उन्हें वहां से उठा के लाके डाले और बच्ची को अभी समझो उधर खंदार से लेके आए थे खंदार में थी उधर उसके नानी के पास में बोल रहा ना कि मैं खंदार का नहीं हूँ गंगाखेड़ से खबर प्लान से उठाए थे तो जो भी है ये जादू टोने के अमला ये सब चीजों से दुआ मुमिन का हथियार है दुआ तुमको ये सब चीजों से महफूज रखेंगी तुम अगर इबादत के रस्सी को पहले से मजबूती से थामेंगे तो चलाने वालों के उलट वारा उन पर पड़ जाते क्योंकि तुम अगर अपने आप को अल्लाह के हिफाजत में और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में दे दिए तो जादू टोनों की औकाता नहीं है चलने के तो इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा तुमको ये करना पड़ेगा कि हर नमाज के बाद में तुमने मामूल बनाना 7 बार आयतुल कुर्सी और 7-7 बार चारों कुल पढ़ने का तुम अगर ये मामूल बनेंगे तो कोई तुम पे वार नहीं चला सकेगा और दिन निकलने से पहले एक बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करना और सूरज डूब जाने के बाद में एक बार सूरह यासीन की तिलावत करना बाद नमाज फजर के बाद नमाज मगरिब के तो तुम्हारा बाद नमाज फजर के करेंगे तो सूरज डूबे तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और बाद नमाज मगरिब के करेंगे तो अल्लाह सूरज
बुजुर्गान ने दीन को वली अल्लाह को कभी बुरा नहीं बोलना, क्योंकि जादू टोना हट जाएगा इबादत करने से, बीमारी हट जाएगी दवा गोली लेने से। अगर तुम अल्लाह को नाराज कर देंगे तो फिर अल्लाह राजी भी होने को फिर तुम कैसा और कौन सा सजदा करना पड़ेगा और कहाँ जाके करना पड़ेगा, फिर तुम देखो तुम राजी करो। अगर बुजुर्गान ने दीन को अगर तुम बुरा बोलते अल्लाह के वलियों को, तो अल्लाह कुरान अल्लाह हदीसों के दूसरे में साफ फरमा देता कि मेरे वलियों के बारे में दिल में जरीबी बोझ रखते, इतना भी कीना कपट रखते, तो फिर अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान करता, चलो अल्लाह के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। है किसी की हस्ती और मिसाल सातों जमीन और आसमान में जो अल्लाह के सामने जाके ठहर सकेंगे टक्कर लेने के लिए? कोई नहीं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो अल्लाह से टक्कर ले सके। इसलिए अल्लाह से तुम टक्कर लेने उतर जा रहे मैदान में, वैसी बात हो जा रही अगर तुम अल्लाह के वलियों को और बुजुर्गान दीन को बुरा बोलते दिल बराबर भी, अगर बुरा नहीं भी बोले दिल में भी जरी भी दिल बराबर उनके हाथ से बुरा से रखे, तो समझ जाओ अल्लाह बोल रहा कि खुले जंग का ऐलान करता हूँ, जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। बताओ तुम पूरी दुनिया और जमीन और आसमान की फौज भी लेके खड़े हो गए तो कुछ मिसाल दे तुम्हारी, और कहाँ जाके हम किससे लड़ेंगे? लड़ सकता कोई अल्लाह से? कोई नहीं लड़ सकता। इसलिए अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, हर चीज को फना होना है, हर जानदार चीज को फना होना है और हर बेजान चीज को फना होना है, सिर्फ बाकी रहेगा अल्लाह। अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, हर चीज फना हो जाएगी। तो इसलिए गलती से भी ऐसे हरकतें मत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और बुजुर्गान दीन को बुरा मत बोलो, उनके वास्ते दिल में जरी भी कीना कपट मत रखो वली अल्लाह के बारे में, और जादूगरों के पास मत जाओ, जादूगर के पास एक लम्हा बैठने से तुम्हारी 60 साल की इबादत रद्द कर दी जाती, और वली अल्लाह की सोबत में एक लम्हा बैठने से तुम्हारी 60 साल का तुम्हें सवाब दिया जाता है इबादत का। और बस कहीं सुनने ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने का तौफीक दे। कहाँ से आए थे? क्या और घर में तकलीफ? जैसा कुछ भी दिखेगी फेंक देने का, फायर मारने का, हाथ मारने का, बोलने को गाड़ी जी से गाड़ी चले गई, फिर दूसरा भाई है ना तो वो भी बराबर घर में रहता नहीं, फिर बाप को पीने में पैसे डाल देते, वो माँ छुपते फिरती रात हुई थी बच्चों को लेके, बहुत मुसीबत थी इनके घर में। वो बच्चे मेरे पास, हमारी बच्चे की डिलीवरी पाई थी तो मेरे पास आई, अभी तो वो भाई है ना वो आव आव करके बोले तो उन्हें बोली नहीं आंटी का छिला हमको मर जाती, अब ये पुनः भोगल के ज्यादा छो गया हो तो हमको समझ में भी नहीं आया, फिर भी मौलाना को बोले जाके बताए ना दुआ पानी करे उन्होंने, तब इसका नहीं जो वो शीश में पानी दी तो वो बीवी ने बहुत बहुत परेशान कर दिया, आप तो कौन ताड़ी से चार आदमी से नहीं मार दिया। लेकिन अंदर बैठ के ये तमाशे कर रहा था, तो वहाँ को लग रहा था कुछ बीमारी कुछ क्या है क्या था, कुछ भी नहीं कह रहा सब मैं पूरा पूछूंगा नाम वाम सब तफसील में, क्योंकि अभी उसको एक मौका दिया नाला है, सब नामा याद करके आने को, बाद में उसको सुनेंगे भी नहीं, गिनेंगे भी नहीं और पूछेंगे भी नहीं सही तरीके से।